तहसील व उपखंड प्रशासन के बार बार के फरमान पर चिकित्सालय प्रशासन ने जताया रोष, सामंजस्य नहीं बैठने पर दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। क्वारंटाइन चल रहे युवक ने दी आत्महत्या की धमकी, साफ पानी पीने और घर का खाना खाने की जताई इच्छा, प्रशासन द्वारा मांगे मानने पर मान गया युवक। प्रवासियों को सताई घर की याद, 17 मजदूरों ने घर जाने की जिद में छोड़ा खाना। और आबकारी बेजवाजा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, शेरोकबाला में नष्ट की 10,000 लीटर अवैध शराब। नमस्कार, जिसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद राज्य में चल रहे लॉकडाउन के बाद शहर भर में सब्जी बेचने वालों की बाढ़ सी आ गई है। शहर के हर गली मोहल्ले में बहुतायत से ये सब्जी बेचने वाले मिल रहे हैं। सब्जी बेचने वालों की भरमार तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इन सब्जी विक्रेताओं की ओर से सरकार के निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है, जो आमजन पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, हालांकि पुलिसकर्मी इन सब्जी वालों को खदेड़ भी रहे हैं, यहां तक उनका सामान भी जब्त कर रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन ये सब्जी बेचने वाले स्थान बदलकर दूसरी जगह जम जाते हैं। मालूम हो कि वर्तमान में शहरी क्षेत्र में ऊट सर्किल बीएल टावर के पास में सैंद्रा रोड पर बड़ी तादाद में सब्जी बेचने वाले खड़े रहते हैं, लेकिन उक्त सब्जी बेचने वाले मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, जो कि लॉकडाउन के नियमों का खिलवाड़ भी है और आमजन के लिए खतरा भी। ऐसी स्थिति में प्रशासन को चाहिए कि ऐसी सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे, ताकि संक्रमण के इस खतरे से बचा जा सके। जुकाम, खांसी और बुखार के मरीज को अब औषधि विक्रेता बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा नहीं दे सकेंगे। स्वाइन फ्लू और कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षण खांसी, जुकाम, बुखार और गले में खराश एक समान होने के कारण मरीज को दुकान से सीधे दवा देने पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने रोक लगा दी है। ऐसे लक्षणों वाले मरीज के दवा दुकान पर पहुंचने पर औषधि विक्रेता उसका नाम, पता और टेलीफोन नंबर लेकर ही अपने क्षेत्र के औषधि नियंत्रण अधिकारी, जिला अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी के प्रभारियों और सीएमएचओ को सूचित करेंगे, जिससे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग और जांच कर पाएगी। औषधि विक्रेताओं के पास दवा लेने पहुंचने वाले लक्षणों से प्रभावित ऐसे कुछ लोग कोरोना संक्रमण की भ्रांति और कोरोना जांच के प्रति झिझक के कारण चिकित्सा संस्थान में नहीं पहुंच पाते और सीधे दवा विक्रेता से बिना चिकित्सक के परामर्श के प्राथमिक उपचार की दवा ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में संक्रमित लोगों की जांच करना संभव नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में दवा विक्रेता उसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 में शेड्यूल GHH1 और X में अंकित दवाएं नहीं दे पाएंगे। मैं सभी को यह सूचना देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के रोहित कुमार सिंह जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेशानुसार, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इन सारी दवाओं पर मतलब बेचना प्रतिबंध किया गया है। इनको केवल डॉक्टर की पर्ची पर उनका पूरा लिखित ब्यौरा, मोबाइल नंबर, एड्रेस सारा नोट करके फिर ही दवाई देंगे। इसके अतिरिक्त ये जो सारी सूचनाएं हैं वो चिकित्सा विभाग को अवगत करानी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अजमेर रोड रानीबाग रिसोर्ट के पास मंगलवार सुबह साबुन बनाने के काम आने वाले तेल से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर के पलटने के कारण जहां सड़क पर तेल ही तेल फैल गया, वहीं टैंकर चालक भी चोटिल हुआ। हादसे की जानकारी के बाद हाईवे एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और चोटिल टैंकर चालक का उपचार किया। उधर घटना पर पहुंची पुलिस ने एक तरफा यातायात के सहारे यातायात को सुचारू बनाया। बाद क्रेन की सहायता से टैंकर को साइड में करवाया गया। जानकारी के अनुसार दूदू थानांतर्गत ग्राम निम्बली निवासी गोपाल पुत्र जबरू गुर्जर गुजरात के खड़ी से साबुन बनाने के काम आने वाले तेल को भरकर हरियाणा की ओर जा रहा था कि अजमेर रोड हाईवे पर मंगलवार सुबह टैंकर का पीछे का टायर फट गया, जिसके कारण असंतुलित होकर टैंकर पलट गया। हादसे में टैंकर चालक चोटिल हुआ है। साबुन बनाने का, जो साबुन बनाने में उसमें जो तेल काम में लेते हैं उसमें डालते हैं चिकनाई के लिए, उसका एक टैंकर पट्टी खा गया। जो कि ड्राइवर मौके पे, हम जब पहुंचे हमारे को मैसेज मिला, तो हम मौके पे पहुंचते ही हमारे को, हमने सिचुएशन को हैंडल किया, ड्राइवर को भी ढूंढा, ड्राइवर
हल्की फुल्की चोट लगी थी, ड्राइवर बच गया, इसमें खलासी था नहीं गाड़ी के अंदर। और इसमें साबुन के अंदर जो ऑयल मिलाते हैं वो था इसके अंदर, तो इसमें जनरल सील तो कुछ था नहीं यहाँ पे। और बाकी ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू बनी हुई है यहाँ पे, और हादसा बड़ा हादसा होते होते चल गया यहाँ पे। प्रदेश में सोमवार से लागू हुए मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद व्यवस्थाओं में लगी पुलिस भी अब सख्त हो गई है। लॉकडाउन की अक्षरश पालना करवाने और लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने अब शहर के एंट्री पॉइंटों पर बाहर से आने वाले वाहनों, उसमें सफर करने वालों के बारे में सभी प्रकार की जानकारियां दर्ज करना शुरू कर दिया है। उपखंड में रूपनगर के एक युवक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी अपनी निगरानी बढ़ाते हुए सख्ती बरतना शुरू किया। सीढ़ी थाना प्रभारी रविंद्र सिंह हाडा ने शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मियों और अन्य कार्मिकों को निर्देशित किया है कि शहर में कोई भी वाहन चाहे वह अनुमति के आधार पर ही प्रवेश कर रहा हो उसकी सभी प्रकार की जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज की जाए। साथ ही ये जानकारी भी दर्ज करनी होगी कि संबंधित व्यक्ति शहर में किससे और किस प्रयोजन से मिलने आए हैं। उक्त सभी जानकारी रखने के पीछे मंशा स्पष्ट है कि बाहर से आने वाले सभी लोगों के बारे में जानकारी हो ताकि भविष्य में किसी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। खेतों से रबी की फसल निकालने के बाद किसानों द्वारा फसल बिक्री के लिए ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से आगामी 1 मई से समर्थन मूल्य खरीद केंद्र शुरू किया जाएगा। उक्त खरीद केंद्र पर सरसों और चने की फसल समर्थन मूल्य पर बेची जा सकेगी। खरीद केंद्र प्रभारी हेमराज मेघवंशी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से किसानों की सरसों और चने की फसल की खरीद के लिए ब्यावर स्थित कृषि उपज मंडी समिति में 1 मई से खरीद केंद्र शुरू किया जाएगा। उक्त खरीद केंद्र पर अपनी उपज बेचने के लिए किसानों के ई मित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त करना होगा। टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होगी। अतः जिन किसानों को अपनी फसल बेचनी हो वे किसान ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन टोकन प्राप्त करें ताकि आगामी 1 मई से शुरू होने वाली खरीद केंद्र पर अपनी उपज बेची जा सके। ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा 1 मई से ब्यावर कृषि उपज मंडी में सरसों एवं चना समर्थन मूल्य केंद्र लगाया जाएगा, जिसपे जो भी किसान अपनी फसल बेचान करना चाहता है वो ऑनलाइन ई मित्र द्वारा टोकन कटवा कर अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है। 1 मई से खरीद शुरू हो जाएगी। फिलहाल ऑनलाइन टाइम वो टोकन कट नहीं रहे हैं, 25 अप्रैल से ये टोकन कटना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो भी किसान अपनी फसल बेचना चाहता है सरसों एवं चना वो टोकन कटवा कर अपनी फसल बेच सकता है। काश्तकारों के पास उर्वरक मृदा सिंचाई के लिए पानी उच्च गुणवत्ता का बीज होने के बाद भी अगर मौसम साथ नहीं दे तो खेती करना आसान नहीं होता है। इस कारण कई बार काश्तकारों को मौसम का सही आकलन की जानकारी नहीं मिलने से नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में किसान के लिए मौसम में होने वाले बदलाव को जानना आसान नहीं होता, क्योंकि किसान को अच्छे फसल उत्पादन के लिए मौसम के साथ साथ समय पर किए जाने वाले कृषि कार्य की जानकारी होना भी आवश्यक है। ऐसे में काश्तकारों की इन समस्याओं के समाधान और तकनीकी से जोड़ने के लिए भारतीय मौसम विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मेघदूत नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से काश्तकार मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर एक क्लिक पर मौसम की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। शहर के कृषि कार्यालय के कृषि अधिकारी मुकेश माली ने बताया कि मेघदूत ऐप से किसानों को उनके क्षेत्र के मौसम की स्थिति का पता चल पाएगा। वहीं वर्षा, हवा की गति और दिशा, आर्द्रता और तापमान के साथ ही ताजा फसल परामर्श और मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी के अलावा मौसम से जुड़ी चेतावनी भी मिल पाएगी। वहीं ऐप के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान पर आधारित उपखंड की प्रमुख फसलों, पशुपालन और मुर्गी पालन से संबंधित सलाह भी प्राप्त होगी। काश्तकारों को इस ऐप के माध्यम से पिछले दिनों के मौसम का हाल, वर्तमान और आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की जानकारी घर बैठे प्राप्त हो पाएगी। इसके अलावा तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान जो कि 3 घंटों के लिए जारी किया जाता है उसकी जानकारी प्राप्त होगी। इस ऐप के माध्यम से खेती का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकते हैं और खराब मौसम से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। ऐसे में किसानों की आय में इस ऐप के उपयोग से बढ़ने की संभावना है। कृषि अधिकारी मुकेश माली ने बताया कि मेघदूत मोबाइल ऐप पर 5 दिन के लिए परामर्श एडवाइजरी जारी होगी। सप्ताह के प्रति मंगलवार और शुक्रवार को ऐप बताएगा कि आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा, बारिश, तेज हवा और कोहरे के दौरान किसानों को क्या करना है, यह सलाह भी मिलेगी। ऐप में देखकर ये पता लगा सकेंगे कि बारिश कब होगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मेघदूत ऐप के आने से पहले काश्तकारों को वर्तमान मौसम की जानकारी लेने के लिए 1 दिन का इंतजार करना पड़ता था।
इसके लिए विभाग द्वारा बियाबर, सरवार, टाटोड़ी, टारगढ़, विजयनगर, मसूदा, भिनाय के करीब 50 गांवों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित कर रखे हैं, जो आज भी एक निजी कंपनी की ओर से संचालित की जा रहे हैं, जहां कंपनी के अधिकारी किसी भी स्थान पर किसी भी क्षेत्र की मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन उक्त मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए काश्तकारों को अखबार, आकाशवाणी या सूचना केंद्रों पर जाकर प्राप्त करना होता था। अब ऐप के माध्यम से सभी जानकारियां उपलब्ध हो पाएगी। लॉकडाउन के दौरान जिला पुलिस और आबकारी पुलिस की ओर से अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाया गया अभियान जारी है। इस दौरान पुलिस शराब तस्करों पर नकेल कसते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त करने के साथ साथ शराब तस्करों को भी हिरासत में ले रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग के पीई हरिस्वरूप और जवाजा थाना प्रभारी कबरपाल सिंह ने मैच जाप्ते के तारागढ़ ग्राम पंचायत के शेरू कबाला गांव में सर्च अभियान शुरू किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने एक तालाब के पैंदे में शराब का वॉश भरकर छिपा रखे ड्रम बरामद कर उन्हें बाहर निकाला। टीम ने इन ड्रमों में भरा करीब 10,000 लीटर कच्ची शराब के वॉश को नष्ट किया। साथ ही शराब बनाने के काम आने वाली भट्टियों को भी नष्ट किया गया। उधर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही की भनक लग जाने के कारण शराब तस्कर पहले ही मौके से फरार हो गए। टीम में कांस्टेबल मनीष टाक, सुरेंद्र सिंह, मोतीराम सर्वेश्वर, प्रकाश जाकड़, शिवराज और रामधन व आबकारी से कर्म सिंह, रामनिवास, घनश्याम और रामधन आदि शामिल थे। आबकारी थानाधिकारी हर्षरूप जी व उनकी टीम व मन एसएचओ व मेरी टीम द्वारा अभी लॉकडाउन के दौरान कच्ची शराब की बार बार शिकायत मिलने पे हमने शेरों का बड़ा ग्राम पंचायत तारागढ़ में दबिश दी, जिसमें बड़ा तालाब है, उस तालाब के पेंदे में ये ड्रम रख देते हैं। तो आज हमने एक नाव ली और साथ में हमने बलाई आती है उससे डाल करके उससे हमने करीबन 20-25 ड्रम निकाले, उनमें करीबन 10,000 लीटर वास हमने नष्ट किया है और इससे पूर्व हमने बार बार कार्रवाई कर रहे हैं। अब लॉकडाउन के दौरान वैध शराब की दुकानें बंद होने से ये कच्ची शराब बनाई जा रही है। हम दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करके प्रभावी कार्रवाई की है, जिससे इनके हौसले थे उन पर काफ़ी मनोबल टूटेगा और हम कच्ची शराब बनाने के खिलाफ में गंभीर कार्रवाई करेंगे। होम्योपैथिक चिकित्सालय ब्यावर की ओर से शहर में कोरोना वॉरियर्स को रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली दवा के किट वितरित किए गए हैं। होम्योपैथिक चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत के अनुसार शहर में मंगलवार को नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए 125, सफाई कर्मचारियों के लिए 470 और शहर के विभिन्न चौक प्वाइंटों पर तैनात पुलिसकर्मियों को 75 किट वितरित किए गए। डॉक्टर रावत के अनुसार इसी प्रकार शहर के राजकीय मृतकों चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के लिए 300 किट उपलब्ध करवाए गए। किट वितरण के दौरान डॉक्टर विनय सैन और कंपाउंडर रामराज मीणा भी साथ थे। मालूम हो कि केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने विगत दिनों एक आदेश जारी कर होम्योपैथिक विभाग से कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी ड्यूटी देने वाले वॉरियर्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें होम्योपैथिक दवा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान भी अपनी ड्यूटी पर सजग रहकर शहर में साफ सफाई रखने वाले सफाई कर्मचारियों का शहरवासियों की ओर से स्वागत किया जाकर उनके प्रति आभार प्रकट किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को शहर के मेवाड़ी गेट बाहर वार्ड नंबर 44 में निवास करने वाले लोहार समाज के लोगों ने सफाई कर्मचारियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। अध्यक्ष कल्लू लोहार के सानिध्य में उपस्थित सभी समाज के लोगों ने सफाई कर्मचारियों का माला पहनाकर स्वागत किया और उनका धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर उपसभापति रिखभ चंद खटूर, शांतिलाल, प्रभुलाल, हीरा महाराज, अमरचंद साकला, मांगीलाल और मातृशक्ति उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के कारण चल रहे लॉकडाउन के दौरान शहर के भामाशाहों की ओर से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि किसी को भी भूखा रहने की नौबत नहीं आए। इसी कड़ी में भामाशाह राजू टाक और विनोद खाटवा मित्र मंडल की ओर से संचालित जनता रसोई जरूरतमंदों के लिए वरदान बनी है। वर्तमान में डुंगरी रोड स्थित मिश्रीलाल की बगीची में संचालित हो रही जनता रसोई से प्रतिदिन 500 खाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। लॉकडाउन 1 के बाद शहर में जरूरतमंदों के लिए बंद हुई कई व्यवस्थाओं के बाद लॉकडाउन 2 में भी उक्त रसोई के माध्यम से भामाशाहों के सहयोग से लोगों की सेवा की जा रही है। उक्त सेवा कार्य में बाबू टाक, कमल दगदी, सूरज भाटी, सुरेंद्र भाटी, बाबू भाई, दीपू दगदी, कालू टाक, मनोज टाक, गोपाल दगदी, कालू साखला, कमल भाटी, शाकिर भाई, मुकेश भाटी, सचिन चौहान और राकेश गहलोत आदि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं वो वर्तमान में शेल्टर होम में सरकार की निगरानी में रह रहे हैं। उन्हें अब अपने घर की याद सताने लगी है। लॉकडाउन 2 शुरू होते ही इन प्रवासियों ने घर जाने की मांग को लेकर प्रशासन के सामने अपनी बात भी रखी और कई बार शेल्टर होम से भागने का प्रयास भी किया, लेकिन घर जाने की मांग पूरी नहीं होने की सूरत में अब कुछ लोगों ने खाना पीना तक छोड़कर प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
ऐसा ही मामला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरबतखेड़ा में चल रहे शेल्टर होम में सामने आया। जानकारी मिली कि शेल्टर होम में रहने वाले 155 लोगों में से 17 लोगों ने मंगलवार से खाना पीना छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने मंगलवार सुबह और शाम का खाना नहीं खाया। अब केवल इनकी एक ही मांग है कि उन्हें अपने घर पहुंचाया जाए। खाना नहीं खाने वाले लोगों में कुछ लोग जोधपुर के तो कुछ लोग प्रतापगढ़ के हैं। मालूम हो कि लॉकडाउन शुरू होते ही माउंट रोड स्थित स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ट्रकों में सवार होकर अपने घर जाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जयपुर में प्रवेश करने के दौरान पुलिस ने उन्हें वहां से वापस भिजवा दिया। वापसी के दौरान इन लोगों को ब्यावर में रोक लिया गया और मजदूरों की तादाद ज्यादा होने के कारण इन्हें खरवा SD स्कूल और नरबतखेड़ा स्कूल के शेल्टर होम में रुकवाया गया। हालांकि प्रशासन की ओर से इन लोगों के लिए खाने पानी की व्यवस्था पूरी की जा रही है, लेकिन आखिर घर तो घर है। लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहने के कारण अब इन लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है और अब ये लोग 22 दिन बाद स्कूल में रहने के बाद अपने अपने घर जाने की जिद कर रहे हैं। उम्मीद है एक अद्भुत शक्ति जिसे आप भगवान कहकर पुकारते हैं उसे मानते भी जरूर होंगे, मुश्किल वक्त में उससे अरदास जरूर लगाते होंगे। बेशक जब वो आपकी अरदास सुनते हैं तो फिर आप भी भगवान की ओर से किए गए इशारे रूपी बात को मानने के लिए सहमत होंगे। कहते हैं सब ईश्वर के इशारे पर होता है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन विश्व भर में आई कोरोना नामक महामारी के कारण वर्तमान में अपने भगवान के दर भी लॉकडाउन के कारण बंद है। प्रतिदिन लोगों की आवाजाही से आबाद रहने वाले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च में विराजे भगवान केवल अकेले पुजारी मौलाना और फादर से ही बतिया रहे हैं। इस दौरान सभी भगवान अपने बंदों को घर में रहने का संदेश दे रहे हैं, बस कुछ लोग उसके इशारे को समझ नहीं पा रहे। पता नहीं क्यों लोग उसके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। मंदिरों में विराजित ईश्वर जब आपको अपने दर पर आने से रोक रहा है तो आप क्यों अपने दर पर हर किसी की लापरवाही को बुला रहे हैं? जब ईश्वर खुद आपको मंदिर में आने से रोककर 144 की धारा की पालना करवा रहा है तो आप क्यों इस धारा की पालना करने के बजाय उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं? आपकी और ईश्वर की मूर्ति के बीच की दूरी खुद सोशल डिस्टेंसिंग का उदाहरण है। सत्कार और सम्मान तो भगवान भी मन से याद करने पर स्वीकार कर लेता है, तो फिर आप क्यों आडंबर का बोझ उठाए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? जो लोग कोरोना को कोरा कागज समझ रहे हैं उन्हें ध्यान रहे, आपकी लापरवाही कोरोना के उसी कागज पर आपका नाम छपवा सकती है। कोरोना पॉजिटिव मामले के बाद राजकीय अमृत कौर अस्पताल प्रबंधन द्वारा जांच और सर्वे का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन के निर्देश पर कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आए स्टाफ को होम आइसोलेट किया गया, वहीं अन्य पर एहतियात के तौर पर निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार को अस्पताल प्रबंधन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से 7 संदिग्धों के सैंपल जांच हेतु भेजे गए। वहीं सोमवार तक 27 की पेंडिंग चल रही रिपोर्ट में से 12 की रिपोर्ट मंगलवार को प्राप्त हुई, जो कि सभी नेगेटिव पाई गई। उक्त 12 नेगेटिव सैंपल में से 7 चिकित्सालय स्टाफ के और 5 संदिग्धों के थे, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आने से पेंडिंग रिपोर्ट का आंकड़ा अब 22 रह गया है, जिसमें 15 सोमवार की पेंडिंग रिपोर्ट तो मंगलवार को भेजी गई 7 सैंपल रिपोर्ट आने का इंतजार है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने के बाद सोमवार को 22 लोगों के सैंपल भेजे गए थे और पहले से 5 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग चल रही थी। ऐसे में मंगलवार को भी 7 सैंपल भेजे गए और मंगलवार को ही 12 की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसमें से 7 स्टाफ और 5 अन्य की रिपोर्ट शामिल है। अब कुल 22 सैंपल की रिपोर्ट ब्यावर की शेष चल रही है और अब तक 128 सैंपल ब्यावर अमृत कौर अस्पताल प्रबंधन द्वारा भेजे जा चुके हैं। COVID-19 के अंतर्गत ब्यावर लाज हवेली स्थित क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेशन हेतु निगरानी में रखे गए एक युवक द्वारा आत्महत्या की धमकी देने का मामला सामने आया है। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे युवक ने ड्यूटी पर तैनात एक चिकित्सक को क्वारंटाइन सेंटर में मिल रही सेवाओं में असंतोष जाहिर किया और विरोध स्वरूप आत्महत्या की धमकी दे डाली। धमकी सूचना पर चिकित्सालय सहित पुलिस प्रशासन हरकत में आया और पीड़ित युवक की मांग सुनी। क्वारंटाइन युवक ने प्रशासन से पीने के पानी की शिकायत करते हुए स्वच्छ पानी पिलाने और बाहर के खाने के बजाय घर के खाने की मांग उठाई। ऐसे में दोनों मांगों के क्रम में प्रशासन ने युवक को आश्वस्त किया और राहत भी पहुंचाई। प्रशासन द्वारा समझाइश करने और मांगे मानने के बाद युवक ने भविष्य में ऐसी हरकत ना करने की बात कही। बताया जा रहा है कि युवक केवल पानी और खाने की समस्या को लेकर चिंतित था और लगातार इतने दिनों से क्वारंटाइन होने के कारण परेशान भी था, जिसके चलते उसने आत्महत्या की धमकी दे डाली। उधर प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और युवक की दोनों मांगों को उसके अनुरूप मान लिया गया। उधर PMO आलोक श्रीवास्तव ने इस मामले में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक को क्वारंटाइन सेंटर में सभी की पूर्ण निगरानी और समाधान के निर्देश दिए। मंगलवार को चिकित्सालय प्रशासन और तहसील में उपखंड प्रशासन के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन के बार बार के फरमान के चलते चिकित्सालय कर्मियों ने अपना दर्द बयां किया। चिकित्सा कर्मियों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए तहसील उपखंड प्रशासन के मुखिया जसमीत सिंह संधू और तहसीलदार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। कर्मियों ने मांग उठाई कि उनके द्वारा दिए जाने वाले बार बार के आदेश के चलते वो COVID-19 के अति आवश्यक कार्य नहीं कर पा रहे।
होम आइसोलेशन सहित अन्य व्यवस्थाओं हेतु वो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे में हर रोज अलग अलग आदेश निकालकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। ऐसे में सभी चिकित्सा कर्मी पीएमओ आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा एसडीएम के समक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन एसडीएम द्वारा कक्ष से बाहर आकर नहीं मिलने के कारण चिकित्सालय कर्मी आक्रोशित हो गए। उन्होंने अंदर जाने के बजाय एसडीएम को बाहर आकर उनकी समस्या सुनने की कहा। ऐसे में चिकित्सालय स्टाफ से बात करने हेतु तहसीलदार कक्ष से बाहर आकर उनकी समस्या सुनने आए, लेकिन विरोध के चलते चिकित्सालय कर्मियों ने तहसीलदार पर अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया। तहसीलदार और एसडीएम द्वारा चिकित्सालय कर्मियों का ज्ञापन नहीं स्वीकार करने पर चिकित्सालय प्रशासन द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है। चिकित्सालय कर्मियों ने बताया कि एसडीएम से पूर्व में ही मुलाकात का समय लिया गया था, लेकिन हठधर्मिता के चलते एसडीएम ने उनसे मुलाकात नहीं की। उनका कहना था कि बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ मिला जा सकता था, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर तहसीलदार द्वारा भी महिला चिकित्सकों के सामने अभद्र व्यवहार किया गया। सभी ने रोष प्रकट कर जल्द सामंजस्य बैठाकर उनकी वेदना नहीं सुनने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। उधर एसडीएम ने चिकित्सालय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बैठक में तय होने के बावजूद अति आवश्यक जानकारी 30 मार्च से मांगी जा रही है, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। रूपनगर लाज हवेली क्वारंटाइन सेंटर सहित अन्य जानकारी व्यवस्था हेतु आवश्यक है, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। उधर सीओ हीरालाल सैनी ने भी अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया कि पुलिस को संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए गए और क्वारंटाइन सेंटर में भोजन पहुंचाने हेतु भी पुलिस को बाध्य किया गया, जबकि वो कार्य पुलिस का नहीं है। तहसीलदार ने बताया कि होम आइसोलेशन पर गिरदावर द्वारा भी भोजन पहुंचाया जाता है, जबकि उनके पास सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन चिकित्सालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए। ऐसे में चिकित्सालय प्रशासन को सुरक्षा किट उपलब्ध करवाने चाहिए। तहसीलदार ने भी चिकित्सालय प्रशासन पर अभद्रता का आरोप लगाया। चिकित्सकों का रोज बढ़ता जा रहा है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हम लोग बिल्कुल मतलब बहुत रोष में आसा जा रहे हैं। हमने बहुत प्रयास करें कि एसडीएम साहब से बात करें, पर वो इसकी बात के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर में हमने लिख के उनको दिया है कि आप कृपया करके हमसे आकर के एक बार रूबरू हो जाएं। वो कागज़ हमने अंदर दे दिया है और इसकी रिसिप्ट भी हमको नहीं दी जा रही है। भूपेंद्र जी को हमने ये आपके सामने पेपर दिया था और इसकी फ़ोटो कॉपी हमने करवाई है और इसकी ओरिजिनल भूपेंद्र जी को हमने अपने हाथ से दिए। तो यदि वो मानते हैं मीडिया, मतलब कि उन्होंने जो कहीं वो मना नहीं कर दें कि मैंने फोटोकॉपी नहीं ली है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यदि एसडीएम चाहेंगे दोबारा इसकी कॉपी, फोटोकॉपी जो हमारे पास है उसको वापस मेल कर दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान डीजल टेम्पो चालकों की हालत अब धीरे धीरे खस्ता होने लगी है। इन लोगों के सामने अब रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो रही है। घर का गुजारा चलाना मुश्किल है। राज्य सरकार को चाहिए कि यहाँ के इन डीजल टेम्पो चालकों की यूपी सरकार की तर्ज पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए, ताकि ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। भारतीय मजदूर संघ तहसील ब्यावर ने इस मांग को लेकर राज्य के सीएम को पत्र भी भेजा है। महामंत्री शंकर सिंह रावत की ओर से भेजे गए पत्र में शहर में डीजल टेम्पो चलाने वाले चालकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार संकट की इस घड़ी में यूपी सरकार ने प्रत्येक डीजल टेम्पो चालक को 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई, इसी तरह राजस्थान में इन लोगों को भी सहायता मिलनी चाहिए। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। तहसील व उपखंड प्रशासन के बार बार के फरमान पर चिकित्सालय प्रशासन ने जताया रोष। सामंजस्य नहीं बैठने पर दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। क्वारंटाइन चल रहे युवक ने दी आत्महत्या की धमकी। साफ पानी पीने और घर का खाना खाने की जताई इच्छा। प्रशासन द्वारा मांगे मानने पर मान गया युवक। प्रवासियों को सताई घर की याद। 17 मजदूरों ने घर जाने की जिद में छोड़ा खाना। और आबकारी व जवाजा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। शेरों कबाला में नष्ट की 10,000 लीटर अवैध शराब।